नमस्कार। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था और आपने उसको बहुत प्यार भी दिया था। आज हम आपको एक और कॉन्वर्सेशन दिखाने जा रहे हैं और इस कॉन्वर्सेशन की खास बात यह है कि इसमें तेजू भैया के साथ उनके बचपन के दोस्त भी आपको नजर आएंगे और इसी के साथ बचपन की यादें ये दोनों साझा करते हुए नजर आए और एक दूसरे की पोल खोलते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने दोस्त पर तंज कसते हुए और मस्ती मजाक करते हुए उनके बचपन के प्यार को जग जाहिर कर दिया। जरा देखिए ये खट्टी मीठी कॉन्वर्सेशन विद तेज प्रताप यादव और उनके बचपन के दोस्त। तो ये दोस्त हैं तेज प्रताप के, मोहम्मद सुफियान, जिन्हें प्यार से वो क्या पुकारते हैं मैं नहीं बता पाऊंगी, विवाद हो जाएगा। लेकिन अभी जब हम ये इंटरव्यू शुरू कर रहे थे तो आप उनके कान में कुछ कह रहे थे, तो आप तो बताएंगे नहीं क्या कह रहे थे, क्या क्या राज नहीं बताने हैं। अब बोल रहे थे कि मतलब बदमाशी तो हम लोग बहुत सारा करते हैं, लेकिन एक लिमिट में ही जो है सारी चीजों को देखना है, तो उसी हिसाब से। तो आप बचपन के दोस्त हैं? जी जी, बचपन। तो बताइए कुछ शरारतें, क्योंकि अब शक्ल से तो लगते नहीं है शरारती, लेकिन हर बच्चा शरारती होता है। ऐसा कौन बच्चा जो शरारती है? वही तो मैंने इसलिए तो पूछा। तो होता क्या था कि जैसे क्लास में हम लोग जब पीरियड चलता रहता था तो हम लोग पीछे बैठते थे, हम लोग के आगे भी स्टूडेंट्स रहते थे, बैक बेंचर्स थे। हाँ, हम लोग बैक बेंचर्स भी थे, हम लोग का रोटेशन होता था। अच्छा। तो हम लोग के आगे जैसे कोई बैठा हुआ है, सेशन तो चल रहा है, क्लास चल रहा है, तो हम लोग क्या करते थे ना, वो धागा जो है ले करके पीछे जो है बांध देते थे, मतलब पैंट में, ताकि जब फिर अगर कोई स्टार्ट होता है, कोई चलेगा, तो वो पीछे जो है वो नहीं होता धागा टाइप का कुछ ऐसे दिखला ही देगा। तो ये सब बदमाशी कर फिर जैसे स्विमिंग हम लोग के स्कूल में था, टाइम खत्म हो चुका था स्विमिंग का, हम लोग क्या करते थे कि हम लोग अंडर वाटर चले जाते थे, तो हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग को टाइम मिल जाता था कुछ करने का। तो ये सब था। स्विमिंग आती है आप दोनों? हाँ, दोनों हम लोग साथ ही। स्विमिंग हम लोग बचपन से कर रहे हैं, एक्टिविटी था, हम लोग सब्जेक्ट था, एक्टिविटी था उसमें स्कूल में, स्विमिंग का करते हैं। स्विमिंग स्विमिंग हम लोग अभी भी करते हैं, पटना क्लब है सब, सारा करते तो देखा है हमने आपको। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी इंटरव्यू में भी, लेकिन मैंने पूछा नहीं था, मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन बचपन में जब स्कूल वगैरह में होता है तो अट्रैक्शन हो जाता है लड़कियों से, इनको लड़कियों से होता था कि लड़की लोग होता था हमसे, आपसे लड़की लोग हो जाता था। आप कभी प्यार में पड़े किसी के? नहीं नहीं, प्यार व्यार में नहीं, दोस्ती दोस्त थी सब स्कूल में, हम लोग का स्कूल, हम लोग सब। हाँ, आप सीरियस हो गए एकदम, कुछ याद आ गया कि नहीं बताना? नहीं नहीं नहीं, इससे जेन्युइन सी बात है। नहीं, इनको एक लड़की से प्रेम था, सनोवर थी, सनोवर। अच्छा, सनोवर थी, उनसे ये प्रेम कर बैठे थे, ये आज तक उसका तलाश कर रहे हैं, वो लड़की मिल नहीं रही है, और आपके चैनल के माध्यम से वो लगा, और वो लड़की सुन रही है, तो इनके पास अगर वो लड़की सनोवर जी आप कहीं भी हो, आप सुफियान जी से संपर्क कीजिए इसी चैनल के माध्यम से। और सनोवर आ जाएगी, क्योंकि एक लालू फैमिली बहुत मजबूत भी रही है, सक्षम भी रही है, पावरफुल भी रही है, तो अगर एक ऐसे शख्स का बेटा स्कूल में पढ़ता है तो आप लोग थोड़ा सा इसलिए दोस्ती हुई, अरे यार हमारी भी पावर हो जाएगी, दिल से दिल मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, पावर की हम लोग दोस्ती यारी नहीं किया था, आपको तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन होता है ना पावरफुल लोग के साथ लोग होता है ये जुड़ते हैं, लेकिन अब बात हमको भी कुछ मिल जाए कि हम लोग का जो हुआ था ना दोस्ती, वो लड़ाई से हुआ था। हाँ, लड़ाई हो गया, लड़ाई हुआ था बहुत भयंकर, गहरा दोस्ती चला गया, फिर हम लोग में लड़ाई हुआ था, पहले लड़ाई लड़ाई हुई थी, यस लड़ाई हुई थी, सीट के लिए हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम में, बैठने के लिए हुआ था बेंच पे, तो उसके लिए लड़ाई हो गया, झगड़ा, उसके बाद फिर हम लोग दोस्त हो गए, बहुत गहरा दोस्ती हो गया, फिर लंच करना हो गया साथ में, हम लोग घूम रहे हैं बचपन से। अच्छा, मेरा लंच आता था घर से, जैसे मान लीजिए कि 12 बजे लंच का टाइम होता था, तो पहले ही आ जाता था लंच। अच्छा। हाँ, आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले लंच आएगा, उसमें अगर मान लीजिए पीरियड चल रहा हो, और उसी दौरान जो है जो प्यून होता था वो लेकर लंच आ गया, तो सब बोलते हैं तेज का टिफिन आ गया, अरे गरम गरम आलू पूरी। भिंडी पसंद है आपको? नहीं, भिंडी बेकार सब्जी है, अच्छा नहीं है वो। अरे मैं तो अभी कहीं से सुनकर आपको भिंडी नहीं, भिंडी नहीं, भिंडी नहीं, आलू गोभी ये सब चीज, आलू पराठा ये सब ज्यादा हम खाते हैं। डाइटिंग वाइटिंग नहीं करते हैं, मस्त खाते हैं, बढ़िया जो मिलता है खा लेते हैं, करेला छोड़ के। टीचर्स को परेशान किया है कभी? टीचर्स को करते थे परेशान, टीचर को यही परेशान किया ज्यादा, टीचर जो है बोर्ड पे लिखती रहती थी, बचपना था, शरारती बहुत ज्यादा था हम लोग, तो चौक हम लोग के पास रहता था,
अच्छा, ये मेमोरीज मुझे लगता है सबके साथ जी, यही किए हैं ज्यादा। कौन किए? हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े रहते थे ना। हाँ। वहाँ भी लीडर थे ना स्कूल में हम। आप? हाँ। अच्छा, मॉनिटर भी रह चुके हैं क्लास। आप, अच्छा ये बताइए पढ़ने में कौन ज्यादा अच्छा था? एवरेज थे हम लोग, बहुत अच्छे नहीं थे हम लोग, एक एवरेज था, 65-70% इस तरीके से हम लोग का परसेंटेज था। देखो आप कुछ इशारा कर रहे हैं क्या हाथ से? नहीं नहीं, इशारा कुछ नहीं कर रहा है। दो कैमरे लगे हैं, दो नजरें मेरी हैं, मैं तो भाई इशारा तो नहीं कर रहे। अच्छा, कोई और मेमोरी जो आप बताना चाहें जो दर्शकों को ना पता हो? क्योंकि वो लगता है जितना बात अभी हम बताए हैं ना किसी को नहीं पता हो। हाँ, इसके अलावा कुछ और कोई ऐसी मेमोरी फैमिली से जुड़ी हुई, आपका कोई ऐसा बंक वंक मारा हो कभी? बंक मारा था स्कूल जो हम लोग छोड़ के गए थे, याद है? सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल चले गए थे पिक्चर देखने। कौन सी पिक्चर देखी थी? याद नहीं, गोविंदा का वो पिक्चर था ना, याद है? हाँ हाँ, वही पिक्चर हम लोग देखने गए थे। आपकी पिटाई हुई है कभी? पिटाई हुई है? हाँ, पिताजी से हुई है। सीरियस मोड पे हुई है कि बस ऐसे धक्का दिया और चलो आगे से मत करना ऐसे वाली? नहीं नहीं, सीरियस वाला पिटाई हुआ है, धवा धव धवा धव। तो क्योंकि आप बड़े भी थे तो आपको तो ज्यादा जिम्मेदार भी समझते होंगे तेजस्वी के मुकाबले। हाँ। तो तेजस्वी ज्यादा लाडले हैं इस वक्त, उनकी चलती है या आपकी चलती है, आप लाडले हैं या दोनों बराबर? नहीं, दोनों बराबर हैं, लेकिन ज्यादा मेरा ही चलता है। आपके चलता है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जो गाँव की फैमिलीज है आज भी, जैसे मैं मेरी तरफ की बात करूँ तो पिता का या बड़े भाई का बड़ा रुतबा होता है, आज भी छोटे भाई नहीं इतना बोल पाते हैं बड़े के सामने, आपके साथ है वो सब चीजें? आप डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, वो भी अपनी अकड़ दिखा सकते हैं, ऐसा है या आज भी है कि नहीं मैंने कह दिया तो तुम सुनो? नहीं नहीं नहीं, सुनता है, ऐसा बात नहीं है, सुनते हैं लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते है ना, बड़े हो गए हैं अब, बाल बच्चेदार हो गए हैं। तो क्यूट बेटी है उनकी? हाँ, करते हैं। नहीं, बहुत क्यूट है, सबसे पहले मेरे पास आ जाती है वो। अच्छा, हाँ जी, है ना उसके। हाँ। एक आखिरी सवाल, आपने लाइफ में सेटल होने का सोचा है दोबारा? ये सवाल ऑन अ सीरियस, अभी जैसे मेरा केस चल रहा है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताएं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचा है आपने? नहीं, अभी तो केस, जैसे केस चल रहा है ना अभी तो, हाँ अभी तो केस चल रहा है तो अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, मैटर गंभीर है। आप चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली हो आगे, आप भी सबका होता है, सबका होता है तो सब लोग चाहते हैं हो।